Welcome to the YouTube channel of EGPS Kargi. Click the subscribe button and share the video. Bismillahirrahmanirrahim. Hello student, welcome. Today we are starting a new topic, that is tanks. You student know very well what is tanks and what are the uses of tanks. Tanks is a part of, we can say, it's a part of grammar, okay? So tanks is, what is tanks? First of all, you know better how we define tanks. Tanks is a form of verb that indicates the time or state of an action. Okay, what is tanks? Tense is a form of verb that indicates the time or state of an action or events. Tense is, the word tense coming from the Latin word tempus, which means time is denoted for time. Okay, so tempus is the Latin word, which means time or action. So tense has three parts, and each three parts has sub four parts. Tense has three parts, that is present, past, future tense. And it is subtext, present, present indefinite, present continuous, present perfect continuous. Same as past indefinite, past continuous, past perfect, past continuous. Same, future indefinite, future continuous, future perfect continuous. तो आज हम करने जा रहे हैं कि इनकी डिटेल में हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट में कौन सा वर्ब लगता है, पास्ट में कौन सा लगता है और फ्यूचर्स में विच टाइप्स ऑफ वर्ब वी विल इंट्रोड्यूस. ओके स्टूडेंट, तो हमारा सबसे पहले आ जाते हैं, हम इनको एक कॉलम में डिवाइड किया गया है. यहाँ पे सबसे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट लिखा है, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर लिखा है. ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या चीज आ जाते हैं. ठीक, तो हमारा सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट में क्या होते हैं? सिंपल प्रेजेंट में आप देखो बच्चों, सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो सिंपल पास्ट में क्या होते हैं? पास्ट में लगते हैं सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सेम एज केस हियर, फ्यूचर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं सिंपल प्रेजेंट में. सिंपल प्रेजेंट में क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहां लिखा है, आई ईट मैंगो, आई प्ले फुटबॉल. सेम एज, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आई इज द सब्जेक्ट, ईट इज द वर्ब, and mango is the object. ठीक है, same as here, I is the subject, play is the verb, and football is an object. तो यहाँ पे same as हम यहाँ पे कहा कि हम first form लगते हैं, तो यहाँ second form लगते हैं past में भी. past में देखो जो I at mango, क्योंकि ये e का second form है, past में हमने कहा था कि second form लगते हैं. तो same as here, यहाँ पे प्रेजेंट क्या आते हैं? आई प्ले फुटबॉल, प्ले इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सेम इज हियर, सेकंड फॉर्म पास्ट में लगते हैं आई प्ले फुटबॉल. सेम केस हियर, फ्यूचर में क्या लगते हैं? क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फ्यूचर में भी ये चीज लग जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया, आई विल ईट मैंगो, आई विल प्ले फुटबॉल. ये टाइम जो ना, इनको हमने कॉलम में डिवाइड किया गया है, डिवाइड कॉलम में आ, इसलिए एक बंट आ गया है ताकि आप लोग इनको
इन द डिफरेंस समझ में आ जाए। तो इसके बाद हम जाते हैं किस में, इसके बाद हमारा टेंस है और दूसरा पार्ट में आ जाते हैं हम, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाते हैं। इसके बाद हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस भी है, प्रेजेंट परफेक्ट भी है। तो हम इसके बाद हम कहाँ चले जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेम कैसी है, यहाँ भी वही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, आप समझ गए ना कि टेंस क्या होता है और इसकी कितनी फॉर्म्स है। देखो ना, क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस जो है ना, इट इज टेंस एंड थ्री टेंस, और इन थ्री टेंस में चार टेंस है, चार पर्सन्स है। देखो ना, प्रेजेंट डेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम यहाँ पे सिंपल से लिया है, पहले प्रेजेंट डेफिनिट क्या है, पास्ट डेफिनिट क्या है और फ्यूचर डेफिनिट क्या है। इसके बाद हम इस पे आ जाएंगे, किस पे, इसके बाद हमारा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हम और एक कॉलम बना देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पे हम एक कॉलम बना देते हैं किसके लिए, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम ये भी डिफरेंट देखते हैं क्या क्या होता है ये चीज, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगते हैं, थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगते हैं, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइम चीज यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ देखा हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब में आते हैं इज, एम, आर, ठीक है। तो इसके बाद हमारे क्या जाते हैं, पास्ट, पास्ट में क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट आते हैं, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आते हैं, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया मैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी आ जाते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, एच, एच का मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्लस इसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ईसीटी ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद हम फ्यूचर में चले जाते हैं, फ्यूचर में भी क्या आते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल, फ्यूचर में भी सब्जेक्ट विल बी, सब्जेक्ट विल बी प्लस क्या जाते हैं इसमें, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म विल बी आते हैं ना, वर्ब
First form, verb plus ing plus object. ठीक है, तो हमारे ये चीज हो गया. तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल ले लेंगे सबका तो हम आराम से कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन डन इजीली. एग्जाम्पल क्या है इसका? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस नाम एक एग्जाम्पल आपको लिख दे रहे हैं. I am. I am क्या? इस द हेल्पिंग वर्ब. वर्ब के कौन से फॉर्म लगते हैं? फोर्थ फॉर्म. I am eating. क्या? I am eating mango. ठीक है, तो इसी तरह अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस में चले जाए तो आई वॉज ईटिंग मैंगो. आई हेल्पिंग वर्ब वॉज वेर इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं. ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज ऑब्लिक वेर. आई वॉज ईटिंग कौन सा फॉर्म लगता है? आई वॉज ईटिंग तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे? I will be eating. ऑब्जेक्ट क्या होगा? मैंगो. ठीक है, ये सारी चीज आ जाते हैं. तो अब सिंपल इन सैंपल लैंग्वेज आपको इजीली डिफरेंस करना आ जाएगा कि प्रेजेंट में कौन सा टेंस लगते हैं, कौन सा वर्ब लगते हैं, पास्ट में कौन सा लगते हैं और फ्यूचर्स में कौन सा वर्ब लगता है. ठीक है, तो हमने ये चीज पढ़ा प्रेजेंट अलग समय सिंपल प्रेजेंट में क्या लगते हैं, सिंपल पास्ट में, सिंपल फ्यूचर्स में क्या लगते हैं. ठीक है, अब हम आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में कौन कौन सा वर्ब लगता है. ठीक है, तो हमने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस एंटी प्लस ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगता है? जैसे आर. तो पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस एंटी प्लस ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? वॉज वेयर सैम कैसियर सैम. फ्यूचर कंटिन्यूअस सब्जेक्ट विल बी वर्ब एंटी प्लस ऑब्जेक्ट. आई विल बी ईटिंग मैंगो. ये हो गया इसका एक एग्जांपल. तो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल हमने लिखा है आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग मैंगो, आई विल बी ईटिंग मैंगो. ठीक है, ये सारा जो एग्जांपल है ये इससे हमें पता चलता है कि इनमें क्या क्या चीज लगते हैं. ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट में जो हम प्रेजेंट में कुछ काम कर रहे होते हैं, पास्ट में जो बीता हुआ काम. ठीक है, जो बीता हुआ काम. फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होते हैं? जो चीज फ्यूचर में कंटिन्यू होते हैं. ठीक है, इसके बाद हमारा और एक आ जाते हैं, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यू परफेक्ट आ जाते हैं. इसके बाद इसको हम रफ कर देंगे तो हम दूसरे को डिफरेंस बता पाएंगे. ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा टेंस आ जाते हैं? इसके बाद हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट. परफेक्ट आ जाते हैं इसके बाद हमारा. यहाँ पे हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट एक पास्ट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और यहाँ पे आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट. ये हो गया हमारा. इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है हम आसानी से पता कर सकते हैं. ठीक है, तो ने फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट इसका हम ये चीज देख लेते हैं. ठीक है,
इसमें क्या जा रहे हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंगल से कितना है, हैज, हैव हैज, हैव ऑब्लिक हैज, इसके बाद वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या जाते हैं, और एक बार याद रखो, सेम केसेस हियर हम यहां पे लिखते हैं। चलो इसमें क्या जाते हैं, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब, हाँ इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसी टी ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारे क्या जाते हैं, फ्यूचर में सब्जेक्ट विल प्लस है, सब्जेक्ट विल प्लस है, इसके बाद क्या जाते हैं, वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इनमें हम देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ना, एक याद रखो, हैव के साथ क्या क्या लगते हैं और हैज के साथ क्या लगते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो, आई, वी, दे, आई, वी, दे, यूज इट विद हैव, ये हैव के साथ लगता है, ठीक है, यूज इट विद have, और his के साथ कौन सा फॉर्म लगता है, he, she, it, he, she, it, use with s के साथ हम यूज कर सकते हैं, use with s, okay। तो यहां पर अगर हम एग्जांपल ले लेंगे तो इसका क्या होगा, I have to tell you, I have mango। तो सेम केसेस हियर, पास्ट में क्या लगते हैं, क्या कि वो सब्जेक्ट है, थॉट हूं प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका अगर एग्जांपल ले लेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसमें, आई हैव ईटन, ई ए टी ई एन, ईटन व्हाट, मैंगो, एम ए एन सेंट के सी है। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में सब्जेक्ट आई और आई विल हैव, आई विल हैव ईटन मैंगो, जो भी आप लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हैं, आई विल हैव ई ए टी ई एन ईटन मैंगो, आप इसके बदले अपना कोई और एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक। तो इसके बाद हमारे ऊपर एक आ जाते हैं, इसके बाद हमारा आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कॉमा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। तो हमने इसमें डिफरेंट डेफिनेशन ये क्या है,
तो इसमें क्या आता है सब्जेक्ट प्लस, हमने यहां से भी पढ़ा था सब्जेक्ट हैव हैज हैव हैज प्लस बीन, इसके बाद हैज हैज प्लस बीन प्लस वॉक पर वॉक प्लस आईएनजी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। इसके बाद इसमें क्या जाते हैं, इसमें सब्जेक्ट पास्ट में हेड जाता है, ठीक है। इसके बाद बीन प्लस वो प्लस आईएनजी वो प्लस आईएनजी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे फ्यूचर में क्या लगते हैं, सब्जेक्ट विद हैव बीन सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वॉक प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इनका एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका क्या होगा, आई हैव बीन ईटिंग, आई इसका दूसरा ले लेंगे आई हैव बीन ईटन, आई हैव बीन ईटन, आई हैव बीन ई आई टी आर एन ईटिंग बनाना, आई हैव बीन ईटिंग क्योंकि यहाँ पे एन जी आते हैं ईटिंग बनाना। सेम केस इज हियर, आई हैव बीन ईटिंग बनाना, आई हैव बीन ईटिंग बनाना बनाना, ठीक है। तो फ्यूचर में क्या होगा, आई विल हैव बीन ईटिंग बनाना, आई विल हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग बनाना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे डिफरेंस क्या क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम मतलब किस तरह से, हाउ वी नो द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वी राइट हियर द मैन वॉक which will have been here, subject have has plus been, ये present perfect बनाते हैं, walk ing object past perfect continuous subject had been walk plus one plus ing, same case here future वो subject will have been walk from one plus object। तो यहाँ पर हमने कुछ example भी दे दिए, I have been eating banana, ये हो गया present continuous में, past में I had been eating banana, future में I will have been eating banana। तो student ये हो गया आज का a very short and brief introduction about tense, कि tense क्या होता है, what are actually tense and what are it is used in our daily life। तो इसके बाद इन दिस टॉपिक, हमने इस टॉपिक में आपको टेंस के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस किया कि टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है। तो इसके बाद हमारा क्या लगता है, इसके बाद आज का मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था टेंस के बारे में। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा क्या होगा, खत्म हो गया बोल, अगले सीजन में या अगले एपिसोड में हम वो एक नया टॉपिक लेंगे और तुम लोग इन सब के बारे में, बट इनकमिंग सीजन वी विल डिस्कस नेक्स्ट वन।
Till then, take care. Bye bye. Keep learning. Keep growing. Thank you. Hey man, stop some stuff though. Thank you for watching patiently. Stay home, stay safe. Thank you.